नमस्कार दोस्तों स्टडी ग्राम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है मैं आपको पटवारी का कंप्यूटर पढ़ाऊंगा देखिए पटवारी के कंप्यूटर में लगभग जो टॉपिक्स हैं वो बेसिक टॉपिक हैं और आपके राजस्थान बोर्ड की क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ से ही लिए गए हैं लेकिन बेसिक टॉपिक में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता है लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको नहीं पता है तो उन सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो लेक्चर में चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास देखिए सबसे पहले देखते हैं हम कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी और कौन से शब्द से हुई थी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे कंप्यूटर की और आगे डिटेल्स क्या हैं किस तरीके से आज का कंप्यूटर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बना है और किस तरीके से उसमें धीरे धीरे परिवर्तन हुए हैं पहले कौन सी डिवाइस आई उसके बाद कौन सी उसी क्रम में आगे हम अपना अध्ययन करेंगे देखिए कंप्यूटर शब्द जो है अगर ऐसा पूछे कंप्यूटर शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है तो कंप्यूटर शब्द तो देखो अंग्रेजी भाषा का ही शब्द है लेकिन जो कंप्यूटर शब्द है उसकी उत्पत्ति लेटिन का एक अन्य शब्द है कंप्यूटरे क्वेश्चन को समझ के आंसर दीजिएगा कि वो क्या पूछ रहा है। कंप्यूटर जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है तो वो तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है लेकिन कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है तो वो आपके लैटिन भाषा का कंप्यूटरे शब्द है उससे हुई है लेकिन एनी मतों के बीच कुछ ऐसे विशेषज्ञ भी हैं जिनका मानना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है देखिए कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट यानी गणना करना तो दोनों ही शब्द चाहे कंप्यूटर हो चाहे कंप्यूट हो सामान्य अर्थ में इन दोनों का ही मतलब है गणना करना तो इसका अर्थ यह है कि हम यह जान पाए हैं कंप्यूटर एक ऐसी युक्ति है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका कार्य गणनाओं को करना है और आउटपुट रिजल्ट को हमें देना है अब देखिए कंप्यूटर की जो स्पेलिंग है सी ओ एम पी यू टी ई -E आर कंप्यूटर इसका भी एक अन्य अर्थ है कोई फुलफॉर्म नहीं है कुछ चेंज भी हो सकता है इसमें लेकिन जनरल मीनिंग में आमतौर की भाषा पे ये आठ शब्दों से मिलकर बना है और यही शब्दों का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है देखिए सी का मतलब है कॉमनली ओ का मतलब ऑपरेटेड एम का मतलब मशीन पी का मतलब पर्टिकुलरली यू का मतलब यूज फॉर टी फॉर टेक्निकल ई फॉर एजुकेशन एंड आर फॉर रिसर्च तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एक ऐसी मशीन है जिसको साधारण तौर पर हम मशीन को यूज करते हैं टेक्निकल एजुकेशनल रिसर्च के मामलों में तो एक ऐसी मशीन है कंप्यूटर आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता हो चाहे वो आपका पेट्रोल पंप हो चाहे वो कोई बड़ा शोरूम हो स्कूल हो कॉलेज हो बैंक हो एल संस्थान हो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता है आपसे आज का मेरा क्वेश्चन रहेगा सोच के बताएं स्टूडेंट्स के ऐसा कौन सा क्षेत्र है उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में देखें कंप्यूटर कंप्यूटर से हर चीज जुड़ी हुई है आज आप जो जूते कपड़े पहनते हैं चाहे वो फर्नीचर में सनमाइका का डिजाइन है चाहे आपके हाथ में लैपटॉप टैबलेट, मोबाइल कुछ भी हो आज आपकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन चुका है कंप्यूटर, और बिना कंप्यूटर के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपके हाथ में बांधी हुई स्मार्ट वॉच में भी एम्बेडेड कंप्यूटर दिया हुआ होता है हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कंप्यूटर ही लगा हुआ होता है जो ऑटोमेटिक होती है अब देखिए कुछ कंप्यूटर के इतिहास पर प्रकाश डाल लेते हैं कंप्यूटर का इतिहास कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे इसमें युक्तियां बनी जिसके बाद हम आज का कंप्यूटर जो है वो काम में ले रहे हैं किसने बनाया कब बनाया इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कंप्यूटर का जो विकास क्रम है वो तीन हजार वर्ष पुराना है चीन ने सबसे पहले एक गणना यंत्र बनाया था उसका नाम रखा एबेकस ध्यान रखिएगा चीन में जिसको एबेकस कहा गया उसी को जापान में सारोबान कहा, कहा गया एबेकस उसी को जापान में सारोबान कहते थे एबेकस दुनिया का एक पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था मैकेनिकल मतलब एक डिवाइस थी जिसको हाथ से मैनेज करते थे चलाते थे इस्तेमाल करते थे इसमें एडिशन यानी जोड़ और यानी घटाव तेजी से करने के लिए इस्तेमाल करते थे आज भी आप देख लीजिए कि राजस्थान में भी और पूरे भारत में प्राथमिक कक्षाओं में एबेकस का इस्तेमाल किया जाता है अगर आपने अपने घर में छोटे भाई बहनों के पास में उनकी जो स्लेट होती है लिखने के लिए वो देखी हो तो उस स्लेट पर आधे हिस्से में तो लिखने की जगह होती है जबकि आधे हिस्से में तारों में कुछ मोती पिरोए होते हैं जिन्हें ऊपर नीचे करके एडिशन और सब्टैक्शन किया जाता है आप सोच सकते हैं वो एक डिजाइन है शायद बच्चों के खेलने के लिए दिया है लेकिन वो एबेकस का आरंभिक ज्ञान है जो प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाया जाता है कई ऐसे क्लासेस हैं आजकल जो मैथमेटिक्स को एबेकस के तरीकों से तेज और फुर्ती से करने में मदद कर रहे हैं और आज भी क्लासेस लगा रहे हैं इसका इस्तेमाल सिखा रहे हैं दसवीं सदी में मिस्र के द्वारा इनको डेवलप किया गया और बारहवीं सदी में चीन के जो कुछ शिक्षाविद हैं उन्होंने इसको अंतिम रूप दिया गया इसीलिए माना जाता है कि मेसोपोटामिया में चीन में जो है वो इसका आविष्कार किया गया यह एक लकड़ी का फ्रेम बना होता है आजकल मेटल और प्लास्टिक से बने फ्रेम भी आते हैं इसमें कुछ लोहे या स्टील की रॉड या तारे लगी होती हैं जिसमें कुछ गोल मोती जिनको बीट्स कहते हैं वो पिरोए होते हैं हैं इन्हीं को आप चित्र में देख रहे हैं नीचे ये बना हुआ फ्रेम है इन्हीं बीट्स को ये जो बीड्स दिए हुए हैं इन बीट्स को ऊपर और नीचे करते हैं इसमें वन टेन्स हंड्रेड थाउजेंड प्लेस की संख्याओं को प्लस और माइनस करने के लिए दिया गया होता है। तो यह एक सबसे पहली डिवाइस थी जिसका इस्तेमाल किया गया था कंप्यूटर में देखिए उसके बाद 1617 सो सन ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं कंप्यूटर में फिर भी अगर पूछे जाएं तो आप ध्यान रखिएगा क्योंकि कंप्यूटर का इतिहास काफी पुराना है और इसके कोई बहुत ज्यादा साक्ष्य और प्रमाण नहीं मिलते हैं इसलिए इसमें सन से संबंधित क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं जैसे इतिहास में आपके पूछे जाते हैं 1617 में स्कॉटलैंड के एक साइंटिस्ट थे जॉन नेपियर। उन्होंने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई उसका नाम रखा नेपियर बोन्स। देखिए बोन बोन का मतलब हड्डियां होता है बिल्कुल सही है इस डिवाइस में नेपियर बोन ने गिनती या गणना करने के लिए हड्डियों की रॉड्स का इस्तेमाल किया इन पर कुछ नंबर प्रिंट किए गए थे आप देख रहे हैं नीचे दिया गया है जॉन नेपियर का बोन इसमें हड्डियों के कुछ गोल रॉड्स हैं और उनके ऊपर आपको कुछ नंबर्स प्रिंट किए हुए दिखाई दे रहे होंगे तो ये जो नंबर प्रिंट किए दिखाई दे रहे हैं आपको इन रॉड्स के ऊपर ये हड्डियों की बनी हुई है इन्हीं रॉड्स की मदद से एडिशन सब्ट्रेक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का काम आसानी से किया जाता था उसके बाद सत्रहवीं शताब्दी में एक फ्रांस के गणितज्ञ थे देखिए कंप्यूटर में जो भी व्यक्ति हुए हैं जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक हुए हैं या तो वो गणित विषय से थे और या तो वो फिजिक्स विषय से थे तो ये गणितज्ञ थे अब्लेस पास्कल इन्होंने एक मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर सोलह से 44 के बीच में विकसित किया अच्छा इसका नाम जो था वो एडिंग मशीन था एड का मतलब होता है जोड़ करना इसलिए इस मशीन का नाम रखा एडिंग मशीन क्योंकि यह एड कर सकती थी सिर्फ वर्तमान में भी जो स्कूटर और कारों में किलोमीटर को नापने के लिए जो माइलोमीटर का, का काम करता है कि आपने अपनी कार या गाड़ी कितनी चला ली है उसमें ही काम आता है यह मशीन खूब प्रचलित हुई और बाद में जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे गॉडफ्रेड लेबनीज लेबनीज ने 1671 में ये डिवाइस आप नीचे देख रहे हैं इसका नाम पास्कलाइन देखिए कैसे चक्रियां गिरारियां लगी हुई हैं इसमें तो पास्कलाइन के इस डिवाइस जो एडिंग मशीन थी या पास्कलाइन इसको कहते थे इसमें 1671 में गॉटफ्रीड लेबनीज ने कुछ सुधार किए और उसके बाद में इसमें जोड़ के साथ-साथ घटाना गुणा करना और भाग करना भी संभव हो गया उन्होंने इस मशीन को किसने कोडफ्रेड लेबनीज ने इस मशीन को रैंकिंग मशीन कहा ध्यान रखिएगा दो चीजें आ गई है इसमें सोलह सो बयालीस से चौवालीस तक पास लाइन बनाया ब्लेस पास ने जिसको एडिंग मशीन कहा गया उसी में कुछ बदलाव करके सोलह सो इकहत्तर में गॉडफ्रेड लेबनीज ने इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग करना भी संभव किया जिसको कहा गया रैंकिंग मशीन देखिए जेकॉर्ड लूम लूम आप देखिए फोटो में दिख रहा है ये बैठे हैं सामने एक मशीन है तो यह लूम जो होती है कपड़ा बुनने की मशीन को कहा गया है यहाँ पर जेकॉर्ड ने बनाई थी इनका पूरा नाम जोसेफ मेरी जेकॉर्ड था तो ये जेकॉर्ड की लूम कहा गया है इनको देखिए फ्रांस के एक बुनकर थे 1801 में जोसेफ मेरी जेकॉर्ड ने एक जेकॉर्ड लूम कपड़ा बुनने का एक लूम मशीन का आविष्कार किया इस लूम मशीन की क्या आवश्यकता थी इस पे कार्डबोर्ड पे कुछ छेद किए हुए रहते थे जो कार्डबोर्ड पे छेद किए हुए रहते थे उसके साथ कपड़ों का एक पैटर्न बनाया जाता था जो कपड़ों के ऊपर छपता था तो पंच के द्वारा इसमें कपड़े के ऊपर बनाए जाने वाले पैटर्न्स को नियंत्रित किया जाता था इस लूम में पहली बार पंचकार्ड का उपयोग अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन पहली बार पंचकार्ड का उपयोग किस किसमें किया गया तो जेकॉर्ड लूम की लूम में मशीन में किया गया था पंच कार्ड का उपयोग पहली बार देखिए आगे चार्ल्स बेबेज चार्ल्स बेबेज आपको पहले ही पता है कि कंप्यूटर के फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन बनाई थी जिसका नाम रखा गया डिफरेंस इंजन दो बनाई थी आगे पढ़ाएंगे आपको एनालिटिकल इंजन अभी डिफरेंस इंजन की बात कर लेते हैं चार्ल्स बेबेज ने 1822 में अच्छा देखिए ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है गोल्डन ईयर ऑफ कंप्यूटर हिस्ट्री कौन से सन को कहा जाता है तो चार्ल्स बेबेज ने जब डिफरेंस इंजन बनाया था 1822 में उस ईयर को गोल्डन ईयर ऑफ कंप्यूटर हिस्ट्री भी बोला जाता है तो इस मशीन का जो व्यय था खर्चा था क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चार्ल्स बेबेज ने जो डिफरेंस मशीन बनाई थी उसका खर्चा किसने वहन किया तो ब्रिटिश सरकार ने उसका खर्चा उठाया था सारा इसी मशीन का नाम डिफरेंस इंजन रखा गया इसमें कुछ गियर शिफ्ट लगे हुए थे और यह मशीन भाप से पूछा जा सकता है चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन किस पर कार्य करता था भाप से चलने वाली यह मशीन थी जैसे कि भाप का इंजन हुआ करता था देखिए हॉलेरिथ हॉलेरिथ ने एक मशीन बनाई थी हॉलेरिथ रिथ सेंसेस टेबुलेटर हॉले रिथ सेंसेस टेबुलेटर जो था 1890 में बनकर तैयार हुआ इस मशीन का आप ध्यान रखना कि हरमन हॉलेरिथ की हॉलेरिथ मशीन या हॉलेरिथ सेंस रेबुलेटर का इस्तेमाल 1890 में अमेरिका की होने वाली जनगणना में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया अब आप ये देख लीजिए जब जनगणना में इसका इस्तेमाल किया तो 10 साल में पूरी हो पाई वो जनगणना इस मशीन का इस्तेमाल करके अगर इस मशीन का इस्तेमाल नहीं करते तो शायद और अधिक समय लगता उस जनगणना को करने में हरमन हॉलेरित ने पंचकार्ड 1860 से उनतीस पर आविष्कार किया था हॉलेरित ने पंचकार्ड का ये ध्यान रखना हरमन हॉलेरित ने आविष्कार किया था और जेकॉर्ड लूम की मशीन में पहली बार उसका उपयोग किया गया था कंप्यूटर है देखो मार्क वन कंप्यूटर और एबीसी कंप्यूटर नाम पूछ लेते हैं फुल फॉर्म एबीसी कंप्यूटर का सन 1940 में अब क्या था विद्युत चलित यंत्रों का आविष्कार जो बिजली से चलते हैं होने लगा था जबकि पहले आपको बताया अभी तक मशीनें भाप से चलने वाली थी हाथ से चलने वाली थी चाबी से चलने वाली थी टाइमर लगे होते थे उसी समय आई के कुछ इंजीनियर्स थे देखिए आई आपको पता है आज भी कंप्यूटर निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है इसका पूरा नाम भी कई बार पूछ लेते हैं ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एंड टूल्स या कई बार सिर्फ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन भी नाम आएगा इनमें जो इंजीनियर और डॉक्टर्स थे जैसे कि हार्वर्ड आईकेन आपको पता है ना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम इन्हीं के नाम पर रखा हुआ है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हार्वर्ड आईकेन सन 1944 में इन्होंने एक मशीन बनाने की शुरुआत की जो विश्व की पहली विद्युत चरित यंत्र था कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व का सबसे पहला विद्युत चरित कंप्यूटर कौन सा था 1944 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हार्वर्ड आइकन ने बनाया था और इसका नाम था मार्क वन रखिएगा इसका नाम था 1, था था मार्क किसने बनाया हार्वर्ड हार्वर्ड आइकन आइकन विश्वविद्यालय में और और उनके फ्रेंड्स ने सदस्य ने मिलकर इसको बनाया था इसका नाम रखा मार्क वन तो पहला विश्व का विद्युत चलित कंप्यूटर कौन सा था मार्क वन कहा बनाया गया हार्वर्ड विश्वविद्यालय में बनाया गया उसके बाद एबीसीटेनासॉफ बी बेरीज कंप्यूटर। 1945 में एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का आविष्कार किया गया of, या क्लिफोर्ड बेरी, इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था इसका नाम रखा ए बी सी ये देखो ऑफ बेरी कंप्यूटर एबीसी इसका नाम रखा गया यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है माना कौन सा आता है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो पहला है दुनिया का वो माना जाता है एबीसी कंप्यूटर स्लाइड रूल अब स्लाइड रूल 1620 की एक डिवाइस है जर्मनी का एक गणितज्ञ बताया ज्यादातर या तो फिजिक्स सब्जेक्ट से संबंधित थे या गणित सब्जेक्ट से संबंधित थे विलियम आर्ट्रेड इन्होंने एक मशीन बनाई एक डिवाइस बनाई स्लाइड रूल यह लघु गणित विधि के आधार पर गणनाएं करती थी डिवाइस दो विशेष प्रकार के इसमें पट्टियां होती थी रूल यानी स्केल होता था जिन्हें बराबर में रखकर कुछ आगे पीछे सरकाकर लघु गणक की गणनाएं संपन्न होती थी उसके बाद बीसवीं शताब्दी के 8वें दशक में जब इलेक्ट्रॉनिक पॉकेट कैलकुलेटर अस्तित्व में आ गया तो कैलकुलेटर आने के बाद इसका इस्तेमाल बंद हो गया उससे पहले इन्हीं स्लाइड रूल को स्केल को आपस में साथ साथ रख के आगे पीछे बनाया था चार्ल्स बेबेज ने चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के इतिहास में महान व्यक्ति थे आपको पता होगा चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही महत्वपूर्ण परिकल्पना की थी कंप्यूटर को बनाने की 1822 में आपको बताया था डिवाइस बनाई थी उन्होंने डिफरेंस इंजन जबकि 1833 में एक अन्य मशीन बनाई जिसका नाम रखा एनालिटिकल इंजन। सन ध्यान रखिएगा इनका फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं ध्यान रखिएगा इन्हें गोल्डन ईयर अठारह ध्यान रखिएगा यह मशीन क्या करती थी दशमलव के 50वें स्थान तक काम कर सकती थी और इस प्रकार हजार तक संख्याएं संग्रहित इसमें कर सकते थे कुछ इसके गुण थे बहुत स्पेशल थी ये मशीन उस समय के लिए यह निर्देशों को उपकरण या इनपुट की सहायता से पढ़ सकती थी निर्देशों को मेमोरी का इसमें उपयोग किया गया था इसमें आउटपुट उपकरण लगा हुआ था जो परिणाम प्रिंट करता था तो आप ये माने आज का कंप्यूटर जैसे पुराने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इनपुट के लिए दिशा निर्देशों के लिए उसको डाटा के लिए यूज किया जाता था मेमोरी का उपयोग उसमें होता था परिणाम आउटपुट को प्रिंट किया जाता था तो इस प्रकार आप मान लें चार्ल्स बेबेज ने आज से बहुत पहले ही कंप्यूटर की परिकल्पना कह दी थी। तो आज का जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो चार्ल्स बेबेज का ही सपना था और उसमें ठीक सभी चीजें वैसी ही हुआ करती थी जैसे कि आज के कंप्यूटर में होती हैं जैसे आज के कंप्यूटर में चीजें हैं पहले भी ठीक वैसे ही चीजें उस कंप्यूटर में हुआ करती थी तो इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है उन्हीं की परिकल्पना पर आज का कंप्यूटर आधारित है आज के कंप्यूटर में भी ठीक वैसे ही इनपुट आउटपुट और सभी प्रिंटिंग डिवाइसेस कनेक्टेड रहती हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर देखो एनईए -E इसका शॉर्ट फॉर्म एनईए के पूरा है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर यह फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन में पढ़ेंगे आप तब इसका नाम आएगा आपके पास साथ में यहाँ बता दिया जा रहा है आपको यह पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर था यह पहला जनरल जर्नल कंप्यूटर था इसका देखो आविष्कार पूछ सकते हैं एक तो पूछ सकते हैं कि सबसे पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर कौन था कौन सा था एन एक था दूसरा पूछ सकते हैं क्वेश्चन इसमें से एन एक का पूरा नाम क्या है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर तीसरा पूछ सकते हैं किसने आविष्कार किया था जे एकर्ट और जॉन मुचली ने पेनिस यूनिवर्सिटी जो थी उसमें इसका आविष्कार किया था यह तोप खाने की फायरिंग में टेबल को कैलकुलेट करता था एनए का प्रयोग जो किया गया था वो दूसरे विश्व युद्ध में हाइड्रोजन बम के निर्माण और कैलकुलेशन में किया गया था बाद में मौसम का पूर्वानुमान लगाना कॉस्मिक रे का अध्ययन करना रैंडम नंबर्स को निकालना इन सभी तरीकों में इसका इस्तेमाल इंजीनियरिंग आदि में किया जाने लगा लेकिन बाद में जैसे जैसे परेशानियां बढ़ती गई वैसे वैसे इसकी स्पीड धीमी लगने लगी और बाद में इसका प्रयोग किया जाना बंद कर दिया गया एक और कंप्यूटर था एडवेक इसमें भी क्वेश्चन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ध्यान रखिएगा बहुत जरूरी है एडवेक का फॉर्म भी 1949 49 में बैसलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला में इसको बनाया बनाया किसने वही जॉन मुचली ने और जे प्रेस पर एकर्ट ने 44 में इसको निर्माण करना स्टार्ट किया 49 तक बना अब एडवे के निर्माण में नए कंप्यूटर आज का अनुभव जैसे अप्रैल 1946 में यूएस डॉलर इतने हंड्रेड थाउजेंड का शुरुआती बजट था 1946 में तो आप सोचें उस पैसे की कीमत आज के समय में कितनी हो सकती है हालांकि इससे संबंधित आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि उसका बजट कितना था ये एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको मैं एडवेक एक बाइनरी सीरियल कंप्यूटर था इसमें हम जोड़ घटाव गुणा प्रोग्राम डिवीजन और एक अल्ट्रासोनिक सीरियल मेमोरी के साथ में ऑटोमेटिक नंबर्स को चेक किया जा सकता था यह सिर्फ किसने बनाया था और इसका फुल फॉर्म और कब बनाया था से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे एडवेकोरो के बाद में अब एडसेक और यूनिबेक इनका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है आपको 1947 से 49 में बना एडसेक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिलेड स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर यह पहला कंप्यूटर था जिस पर किसी प्रोग्राम को रन किया गया था यूनिवेक यूनिवेक का पूरा नाम जो उन्नीस सौ में बना था इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यह पहला डिजिटल कंप्यूटर था और यह व्यापार में प्रयोग होने वाला सबसे पहला कंप्यूटर माना गया तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्यापार में पहली बार किसको यूज किया गया यूनिवेक को एडसेक में पहली बार प्रोग्राम को रन किया गया तो कुछ जनरल नॉलेज की बातें हैं आपको ये ध्यान रखनी है थैंक यू स्टूडेंट्स आज के लेक्चर्स के लिए अब अगला लेक्चर अपन इस कंप्यूटर से आगे कुछ जनरेशंस पर चलेंगे आज हमने जो पढ़ा उसमें हमने देखा कि किस तरीके से कंप्यूटर का स्टार्टिंग हुई कैसे एबेकस आया तीन वर्ष पूर्व चीन में िया में उसके बाद में किस तरीके से जापान में उसको सारोबान कहा गया डिवाइस को कुछ समय पहले तक चीन में उसका इस्तेमाल होता था लेकिन कैलकुलेटर के बाद में इन का हो गया। रूल आया, उसका नेपियर बोन पास एडिंग मशीन रैंकिंग मशीन बहुत सारी डिवाइसेस आई उसके बाद कंप्यूटर बना तो कोई एक अकेले व्यक्ति के दिमाग की परिकल्पना नहीं है लेकिन हाँ चार्ल्स बेबिच को फादर ऑफ कंप्यूटर इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी परिकल्पना के आधार पर ही आज का जो कंप्यूटर था वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट था या उसके आधार पर ही जिस तरीके से उसमें सारी डिवाइसेस में चीजें जुड़ी हुई थी वैसे ही आज के कंप्यूटर में सब कुछ था तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसके आधार पर आधारित था इसलिए चार्ल्स बेबिच को कहा गया फादर ऑफ कंप्यूटर अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में कुछ आगे कौन कौन सी कंप्यूटर की जनरेशन हैं कंप्यूटर के आकार क्या होते हैं प्रकार क्या होते हैं साइजेस के आकार पर कंप्यूटर कैसे होते हैं प्रकार के आधार पर कैसे होते हैं कंप्यूटर इस्तेमाल के आधार पर कई आधार हैं आगे पढ़ेंगे जनरेशन देखेंगे कौन कौन सी जनरेशन से बनने चालू हुए और किस जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर आए तब तक के लिए स्टडी करते रहिए और जरूर से अपना सिलेक्शन करवाइए थैंक यू स्टूडेंट्स